Hello everyone, welcome to new video. Today we are going to discuss about law of chemical combination or composition. In previous video we have discussed about law of conservation of mass, and what is meant by law of conservation of mass, that is total mass before reaction is equal to total mass after reaction, which means mass cannot be created neither be destroyed. It although same before reaction and after reaction also. For you, I'll drop you the link in the description box, which is just right now below, and I hope you enjoyed that video also and you have seen that video also. That video I have explained you in the form of animation, and in this video we are going to discuss in detail about law of constant proportion. Law of constant proportion. What is meant by constant? Constant means what? Equal. For example, we have taken one example. In one bottle is there. Iska example hum log dekhte hain. Ek bottle hai, one bottle is there, which has a holding capacity of near about 10 liter water. Is bottle ke andar iski holding capacity kitna hai? 10 liter ka hai. इसका मतलब क्या है कि इस बॉटल को अगर आपने भर दिया तो इसका एक्वायरिंग कैपेसिटी कितना है? 10 लीटर का है, तो ये 10 लीटर वाटर जो है अपने अंदर एक्वायर कर लेगा. आपने इसको टिल्ट किया इसमें से और पूरा पानी आपने इसमें से निकाल दिया. अब आपने यही बॉटल ली, इस जगह पे आप आए, वही बॉटल लेके, सेम बॉटल है, यहाँ पे आके उसके अंदर पानी भरना शुरू कर दिया. जब यहाँ पे आपने भरा था पानी तो होल्डिंग कैपेसिटी 10 लीटर का था, इसके अंदर से 10 लीटर वाटर आया समझो. अब यहाँ पे आप ए से बी पोजीशन पे गए, ए से बी पोजीशन पे जाने के बाद में क्या उसके अंदर से 9 लीटर वाटर आएगा क्या? 8 लीटर वाटर आएगा क्या? 6 लीटर वाटर आएगा क्या? नहीं, उसमें से ना तो 9 लीटर आएगा, ना तो 6 लीटर आएगा, ना तो 4 लीटर आएगा. उसके अंदर कितना कैपेसिटी है? 10 लीटर का. ए पोजीशन पे कितना था? 10 लीटर का. तो बी पोजीशन पे भी तो 10 लीटर ही होगा ना. इसका मतलब क्या है कि इसके पोजीशन में कोई चेंजेस आ रहा है क्या? इसके कैपेसिटी में कोई चेंजेस आ रहा है क्या? आप कहीं पे भी ले जाओ, इसका कैपेसिटी कैसा होने वाला है? सेम ही रहने वाला है. लेकिन अगर आप इसी जगह पे एक बॉटल यहाँ पे ली और दूसरी बॉटल ले ली जो कि इससे थोड़ी सी पतली वाली है, कुछ इस तरह से एक बॉटल है, तो क्या अब इसका भी होल्डिंग कैपेसिटी 10 लीटर का ही रहेगा क्या? नहीं ना. इस बॉटल को भरा आपने, ये है 7 लीटर है समझो, और यहाँ पे ले जाके आपने फिर से इसी बॉटल को एम्प्टी करके यहाँ पे भर दिया, तो ये भी 7 लीटर है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? कि ये लॉ बोलता है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट को कंबाइन किया तो उनका मास जो है वो कैसा होता है? प्रोपोर्शन में होता है, और वो प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है. अब कांस्टेंट कैसे होता है? देखो, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो थियोरी है, ये सन 1794 मीन्स 1794 में फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे एल पोरस्त. जे एल पोरस्त ने इसको, इस लॉ को रखा था, और उसने ये बोला था दैट इज द प्रपोर्शन बाय वेट of a constituent element in the various sample of a compound is fixed. और इसका example उसने देखा था, या फिर इसका example देख सकते हम लोग, that is water. Water का proportion कितना होता है? 1:8. इसका मतलब क्या है कि oxygen के उसके अंदर जो है 1 का proportion है, और हाइड्रोजन का अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना आता है? 8. अगर इन दोनों का प्रोपोर्शन अगर हमने देखा तो वो अप्रॉक्स कितना आएगा? 9. तो एक वाटर ड्रॉपलेट को बनने के लिए कितना प्रोपोर्शन लगेगा? दैट इज 9 ग्राम ऑफ वाटर लगेगा.
प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स वॉट, 1:8 है ना, इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो बच्चों टोटल हो रहा है यहाँ पे दैट इज 9 ग्राम, 9 ग्राम इसका टोटल वेट हो रहा है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1:8। अब यहाँ पे काउंट करो आप, यहाँ पे का वाटर ड्रॉपलेट लो, यहाँ पे का वाटर ड्रॉपलेट लो, या फिर वहाँ कहीं पे का भी वाटर ड्रॉपलेट लो, इवन दो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू हैव टू टेक अ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम इंडिया एंड अनदर ड्रॉपलेट यू टेक फ्रॉम कैनेडा एंड थर्ड वन सैम्पल यू हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू आर माइट बीन रूमिंग हेयर एंड देयर इन एवरीवेयर. So it's not like that. You have to take a water from anywhere else, from your home, from your school, take a drops, weighing it, so you'll get the constant proportion that the each droplet has this fixed weight or fixed mass, that is 1:8 proportion and 9 gram by its weight. Another example we can take over here, that is carbon dioxide. Another example we can take over here, carbon dioxide or combination in this combination, so means example of carbon dioxide, so in the ratio if you have taken, so that is 3:8, the ratio of carbon dioxide is 3:8, which means for example if 44 gram of carbon dioxide CO2 is there, so which means there is a 12 gram of carbon and remaining 12, total is 44 minus 12, so that is 32, so remaining 32 gram of oxygen is over present over there, which means their ratio is 3:8, so the ratio of carbon dioxide is also fixed, that is 3:8. Now these concepts are introduced by Leviester, and the name of the scientist is, you might been have mentioned that all the points, no, if you not mentioned, so take my video reverse, write it down, mention in your notebook, okay. Next, now we have some introduction and the introductory fact about the scientist, and the name of the scientist is Antonia Leviester, that is Leviezer, but I pronunciate it Leviester, doesn't matter, that is Leviezer, Antonia Leviezer, the name of the scientist is Antonia Leviezer, and he is also a French scientist, father, and it is also called as father of modern chemistry, father of modern chemistry, and his contribution is not only in chemistry, his contribution in biology and economics too. Okay, so we're going to discuss about the scientist, that is Antonia Leviezer. So Antonia Leviezer, the name, he's a French scientist, and he is also known as father of modern chemistry, and he has done his several work in biology and economics too. Students, I might been wanted to hear you that, and you are also get surprise, aapko bhi ye jaan ke surprise hoga, Newton, pata hai na aapko Newton, Newton ko hum log hamesha kahan pe dekhte, to sirf aur sirf physics mein hi dekhte hain, ki Newton, hum logon ne kya assume kiya hai ki koi scientist hai na, agar usne physics mein kiya hai to wo physics ka hi scientist hai, usko kuch aur se len den hi nahi hai, lekin scientist aapki tarah hote hain, jaise ki aap bolte ho na ki ek teacher hai to ek hi subject padhayega, lekin स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, टीचर को एक ही सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट, क्यों, बिकॉज टीचर ने ऑलरेडी ये सारा नॉलेज ले लिया है, इसलिए टीचर को लेने की जरूरत नहीं है, आपको लेने की जरूरत है, सो दैट्स द रीजन, वन टीचर एंड देयर वाज अ फेमस लाइन, वन टीचर वन पेन वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड, ओके लेट इट बी, आई डोंट वॉन्टेड टू गो ऑन दैट पॉइंट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट न्यूटन हैज डन हीज सेवरल एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी ऑल्सो, हैड यू हैव टेकन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स,
I have explained you gravitational force also and gravitation topic also, which you can see in my playlist also. Otherwise, I'll drop the link in the description box, which is given below. But I just wanted to tell you students that Newton has done his several experiments, several work in biology too. What kind of a work he has done in biology? You have might been have problem. Okay, what kind of a work he has done in biology? Because in physics he gave all the assumptions, all the theory, all the circumstances he has given in biology, physics only. That is laws of motion, kinematic equation, Newton's laws of motion, next gravitation, circular motion, whatever, rotational motion, center of mass, whatever kind of information he has given or already he has given to us. But what he has done in biology? So beta, so students, the trees which are suck water or the materials or the minerals inside the earth and provide each branch of the tree. So these providing food pipe or the food vessel or the water pipe, these water pipe are also dependent on gravitational force. Whether the gravitational force increases at that time, if tree requires a wide range of a water, so it root also increases, its stems also increases, and there was a several experiments he had explained in the structure. So I don't wanted to go on that, but I just wanted to inform you that his Antoni Lavoisier has done his several experiment in other branch too. So first point and first interesting fact about the Lavoisier was he has given oxygen and hydrogen as a nomenclature for O2 and H2, hydrogen and oxygen. He has given the nomenclature. What is meant by nomenclature? That we are going to discuss in the video. I hope you enjoy this phenomenon. If you like this phenomenon, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.